झारखंड कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होगी और इस बैठक में 81 विधानसभा सीट से आए उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी एक एक लोग रूबरू होकर उनके नाम को दिल्ली भेजने का काम करेगी। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा है कि राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी की गठन होने के बाद यह पहली बैठक है और इस बैठक में उम्मीदवारों से बात की जाएगी और विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने पर किस आधार पर पार्टी को जीत दिला सकते हैं इस पर उनकी राय ली जाएगी। देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के बाद पहली बार तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हों या अध्यक्ष हों गिरीश जी, वो झारखंड पहुंचे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे जो रांची झारखंड में जो विधानसभा की सीटें हैं उन विधानसभा के सीटों पे कौन हमारा बेहतर उम्मीदवार होगा, क्योंकि आवेदन तमाम लोगों से मांगा गया है जिला के माध्यम से और लोगों ने जिला के माध्यम से प्रदेश को अपना बायोडाटा भी जमा किया है जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो उन्हीं पर तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होनी है और इस बैठक में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जानी है। हर सीट के लिए 3 नाम को फाइनल किया जाएगा जिसके बाद यह लिस्ट आला कमान को भेजी जानी है। तो प्रदेश मीडिया प्रभारी ने इस मीटिंग को लेकर कहा है कि राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी की गठन होने के बाद यह पहली बैठक है और इस बैठक में उम्मीदवारों से बात की जाएगी, विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने पर किस आधार पर पार्टी को जीत दिला सकते हैं इस पर उनकी राय ली जाएगी। तो झारखंड में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और अब से थोड़ी ही देर में यह बैठक शुरू होगी। बड़ी बात यह है कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 33 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है और इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की जाएगी। हर सीट पर 3 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे और आला कमान को यह लिस्ट भेजी जाएगी। तो फिलहाल झारखंड में कांग्रेस के 17 विधायक हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत की तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, जिसे लेकर आज की यह बैठक महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इस बैठक में उम्मीदवारों से भी उनकी राय ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि आप किस तरह से काम कीजिएगा और जनता को ज्यादा से ज्यादा पार्टी पर भरोसा दिलाया जा सके, इससे लेकर उम्मीदवारों की क्या रणनीति होगी इस पर भी बातचीत की जाएगी, चर्चा किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होगी और इस बैठक में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल झारखंड में कांग्रेस के 17 विधायक हैं और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या जानकारी, कितनी देर में बैठक शुरू हो रही है? देखिए, 10 बजे के बाद का समय था रस्में, लेकिन बैठक में थोड़ी देर हो रही है क्योंकि रांची में मौसम थोड़ा खराब है और स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबरान आए हैं उनके साथ अभी जो विधायक दल के नेता हैं रामेश्वर उराव, वो भी बैठक प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद हैं। तो चर्चाएं हो रही हैं संगठन को लेके और उम्मीद जताई जा रही है कि चर्चा खत्म होने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कई मायने में राज्य में अहम है, विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को देखते हुए उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। हालांकि अब देखना होगा कि कितनी देर में बैठक शुरू होती है और बैठक में जो 1-to-1 बातें करनी है उम्मीदवारों से
से जितने भी आवेदन आए हैं, क्योंकि एक लंबा समय लगेगा क्योंकि सैकड़ों की संख्या में जो आवेदन है और सभी आवेदनकर्ताओं से एक एक करके बात करेगी स्क्रीनिंग कमेटी की लोग, तो अब उम्मीद जताई जा रही कि बैठक में थोड़ा वक्त तो जरूर लग रहा है लेकिन बैठक शुरू होगी थोड़ी देर बाद, और बैठक शुरू होने के बाद लगातार जो उम्मीदवार हैं उम्मीदवारों से बातचीत कर और जो तीन नाम भेजने के प्रस्ताव हैं कि तीन नाम दिल्ली भेजे जाएंगे और उसमें से एक नाम पर मुहर लगेगी, दिल्ली मुहर लगाएगा, तो अब देखना होगा कि बैठक कितनी देर में शुरू होगी। हालांकि बैठक का समय 10 बजे के बाद का ही था लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल नेता के साथ हो रही बैठक की वजह से इस बैठक में थोड़ा डिले हो रहा है। बिल्कुल, राहुल अंदर खाने से क्या खबर मिल रही है, क्या एक बार फिर से पुराने चेहरे पर भरोसा जताया जाएगा या फिर किसी नए उम्मीदवार को पार्टी सामने कर सकती है इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, अगर हम बात करें नए और पुराने चेहरे की बात की तो 33 सीटों पर कांग्रेस ने मन बनाया कि गठबंधन में राज्य में चुनाव लड़ेंगे। 81 सीट कुल जो है राज्य में विधानसभा की है। तीन दल गठबंधन के अंदर हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। हालांकि आरजेडी को 1 से 2 सीट इस गठबंधन की ओर से दिया जाएगा। वही उम्मीद जताई जा रही कि इस बार CPIM आने भाकपा माले को भी 1 से 2 सीट दी जाएगी। हालांकि भाकपा माले के एक विधायक जो विनोद सिंह हैं वो भी महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस बार जो है विधानसभा सीटों को लेकर जो पेच फंसेगा, गणित का जो पेच फंसेगा वो काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही 33 सीटों पर मन बना लिया चुनाव लड़ने का, तो ऐसे में जो 33 सीटों पर उम्मीदवार उतारना है उसको लेकर भी मंथन हो रहा है। और बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि अगर 33 सीटों से कम जो मिलेगा तब फिर कैसे नेताओं को सेट किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 17 जो विधायक हैं काफ़ी मजबूती के साथ पार्टी में बने हुए हैं और उन विधायकों में से टिकट काटना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर हम अंबा प्रसाद की बात कर लें तो उन्हें राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ सहप्रभारी भी बंगाल का बना दिया गया है। अगर पूर्णिमा नीरज सिंह की बात कर लें तो झरिया में मजबूत स्थिति है। बेरमो विधायक अनूप सिंह की बात कर लें तो पार्टी में अच्छी पकड़ है। बन्ना गुप्ता की बात करें तो मंत्री हैं। बादल पत्रलेख की बात करें तो पूर्व मंत्री है और दूसरी बार कांग्रेस के टिकट से वो जरमुंडी से चुनाव जीत के आए। तो ऐसे तमाम जो विधायक हैं वो विधायक लगातार चुनाव जीत कर आए हैं। अब देखना ये होगा कि जो पुराने चेहरे यानी जो 17 विधायक पार्टी के मौजूदा स्थिति में, इनमें से कितने लोगों का टिकट काट कर नए चेहरे को उम्मीदवार बनाया जाता है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है तो पुराने चेहरों पर फिर से दाव कांग्रेस लगाएगी और जो बाकी की सीटें बचेंगी, आने अगर 33 सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ती है तो करीब जो 16 सीटें बचेंगी उन 16 सीटों पर जो पिछली बार उम्मीदवार थे उनमें कुछ बदलाव करके नए चेहरों को उतारने की तैयारी में होगी। चलिए बिल्कुल राहुल, नजर बनाए रखिएगा बैठक पर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।